तो आगे बढ़ते हुए जो वाणी आचार्य लोकेश मुनि जी की है वो प्रेरित भी करने वाली है, और जो भारत की ज्ञान परंपरा है, आध्यात्मिक संपदा को लेकर जो चलती है उसके आप वाहक हैं, और आपको ये प्रेरणा हुई कि भगवान महावीर के 2550वें जो निर्वाण बरस आ रहा है उसके अवसर पर आप विश्व मैत्री वर्ष के रूप में विश्व के कई स्थलों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करने वाले, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, भगवान महावीर अहिंसा और शांति के अग्रदूत थे, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, और आज मैं समझता हूँ कि भगवान महावीर के वो सिद्धांत तात्कालिक समय में जितने प्रासंगिक थे उससे अधिक प्रासंगिक और उनकी आवश्यकता मौजूदा युग के अंदर है, और इसे और उसकी पूरे संसार को, पूरे विश्व को उसकी ज़रूरत है। विश्व के इस समय जो हालात हैं आप और हम सभी जानते हैं, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का इतने लंबे कालखंड से युद्ध चल रहा है, और भी जो स्थितियां, उन तमाम स्थितियों के बीच में मुझे लगता है कि भगवान महावीर के उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को, उस दर्शन को जन जन तक ले जाने की जरूरत है। और इसलिए मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने एक निर्णय लिया कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाएंगे, और आज मुझे ये कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि उसका पहला कार्यक्रम कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ऑन्टारियो में 3 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है। विश्व मैत्री वर्ष का शुभारंभ वहाँ पर हो रहा है। 4 अक्टूबर को हमारे अमेरिका के यहीं न्यूयॉर्क के हमारे CGI कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सभागार के अंदर विश्व मैत्री वर्ष का अमेरिका में शुभारंभ हो रहा है, और उसी तरह से हमारी संस्था अहिंसा विश्व भारती इस वर्ष को लेकर के लंदन पार्लियामेंट, अलग अलग देशों में, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इजराइल हो, अनेक देशों के अंदर विश्व भर में इन कार्यक्रमों को लेकर के जा रही है कि जिससे भगवान महावीर के उन सिद्धांतों की आज मानव जाति के हित और कल्याण के लिए जो जरूरत है, खासकर कोविड काल के बाद में जैन लाइफ स्टाइल के प्रति लोगों में एक नया आकर्षण पैदा हुआ है ना। आज वेलनेस बड़ा उद्योग बनता जा रहा है, और ध्यान और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपसे कहूँ अशोक जी, भगवान महावीर की जितनी प्रतिमाएं मिलती है सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। ये ध्यान और योग हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा करता है, हमारे भीतर के हिंसा के भाव खत्म होते हैं। तो आज अपेक्षा है कि उन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसीलिए अहिंसा विश्व भारती संस्था भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष को विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मना रही है। और आज मैं पहली बार ITV गोल्ड पर इस बात की घोषणा कर रहा हूं, और इस तरह तो ये कार्यक्रम बहुत बहुत सफल हो, बहुत आभार के साथ में मंगल कामनाएं आपको। आभार इसलिए कि उस दिशा की ओर आप सतत ध्यान सबका दिलाते हैं जो मानव कल्याण के लिए परम आवश्यक है, और शांति अगर नहीं है तो सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पुनः श्रीमद् भगवद् गीता शांतस्य कुतः सुखम का स्मरण आपकी उपस्थिति में करते हुए आप स्वस्थ रहें, और इसी तरह से स्वयं के आचरण को लेते हुए औरों को शांति की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर, और विश्व में मैत्री बढ़ाने के इस अभियान में आप बहुत ऊंचाइयां छुएं, ऐसी मंगल कामना के साथ आप बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ITV गोल्ड का।